नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोमवीर एनिमल लवर। साथियों, होता क्या कि मैंने आपको एक बछड़ा दिखाया था, नंदी महाराज, छोटा रेड कलर का। उसका होता क्या कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है साथियों कितनी सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है उसका। तो हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाता है। होता क्या कि हम सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि हम जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको यहीं पर रखते हैं, हम इस जगह पर ही रखते हैं। तो हम सफाई वगैरह कर रहे थे, उसको बाहर खड़ा कर दिया, तो वो वहाँ से भाग गया था, क्योंकि दो चार दिन और उसको अच्छे से चराते, कमजोरी वगैरह ठीक होती उसकी, इससे पहले कि वो भाग गया। हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिलता, तो बाद में शाम को पता चलता है, एक भाई का ही कॉल आता हमारे पास, बताता कि हमारे घर के सामने एक छोटा नंदी महाराज कुछ दिक्कत में है, तो आइए प्लीज हम जाके देखते हैं। तो वही नंदी महाराज होता जो हम यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और दो चार दिन उसको रखने की बात कर रहे हैं। तो फिर साथियों मैंने कॉल किया, गोरक्षक दल का लीडर है पंकज कुमार, जो कि रिवासा से बिलोंग करता है। मैंने उसके पास कॉल किया और बताया, भाई हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी हमारे केस है ना खुद भी देखने के लिए आते हैं, हमारे साथ ही टीम में काम करते हैं। तो साथियों मैं उसके पास कॉल करता हूँ, तो तुरंत ही हमारे पास एम्बुलेंस भेज देता है और उस नंदी महाराज को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत अच्छी सुविधा है। उस दिन एतवार का ही दिन था, क्योंकि डॉक्टरों की भी छुट्टी थी गाँव में, जो हमारे डॉक्टर हैं उसकी भी छुट्टी थी, इसीलिए उनके साथ हमने नंदी महाराज को भेज दिया। ताकि आप भी दरख्वास्त कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नंदी महाराज की स्वस्थ होने की ज्यादा से ज्यादा चांस हो, क्योंकि गांव निगाना कला है। जैसे हमारे दो गांव पड़ते हैं आसपास में, निगाना कला और निगाना खुर्द, अगर इनके आसपास आपको कोई भी घायल जानवर दिखता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझे फोन भी कर सकते हैं। तो साथियों कभी भी कोई मेरे गांव के आसपास एनिमल घायल दिखता है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि सेव एनिमल, क्योंकि एनिमल है तभी हमारी प्राकृतिक टिकी हुई है। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।